1, 2, 3 स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग जा कहाँ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अपना कुरियर लाने के लिए। हमारा कुरियर आ चुका है रायपुर से, तो उसी को लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं सामने की तरफ। यहाँ पे भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं, रॉकी भाई, और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, चले मिलते हैं भाई। तो गाइस, ये है पावर प्लांट चिमनी अल्ट्राटेक सीमेंट का, ठीक है। और इसी के जस्ट इधर ही एक प्रोजेक्ट कॉलोनी, जिसके सामने हमारे बॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हमारे कुरियर जो हैं। ठीक है, दो बॉक्स आए हुए हैं, मैंने अपने भाई के नाम पे यहाँ पे एक कुरियर मंगाया है। ठीक है, और देख सकते हो ये है प्रोजेक्ट कॉलोनी, इसी के जस्ट सामने एक बस स्टेशन है, यहीं पे आता है ये सब सामान जो है। और अंधेरा होने की वजह से एकदम क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है हमारे रॉकी भाई, देख सकते हैं, और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के आने का। उसके बाद इन सभी सामानों को पकड़ के घर चले जाएंगे, उसके बाद अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। ठीक है, एक बॉक्स में शायद तक मेरे ख्याल से एक पीसी है। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्या भाई, पीसी है अंदर, मस्त जोक मारा। ठीक है, और एक और बॉक्स है जिसमें मॉनिटर और बाकी सब सामान जो है अंदर रखे हुए हैं। तो देखना पड़ेगा भाई क्या होने वाला, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मजा आ रहा है, पता है? नहीं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं घर के अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को कि अंदर क्या क्या है। ओके, तो चलिए फिर। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे कुरियर को घर के अंदर ला चुके हैं, और देख सकते हो मेरे भाई के एक्साइटमेंट को, बिना पूजा पाठ करे ही खोले जा रहा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। और दोस्तों, ये पीसी हमने बिल्ड कराया है मिस्टर पीसी वाले से, जो कि रहते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको भी मन चाहा पीसी बिल्ड करानी है, तो भैया लोगों का चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो और भैया लोगों से बात कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई पर्सनली काफ़ी अच्छा रहा, और काफ़ी अच्छा हैंडल करते हैं भाई लोग जो है, और काफ़ी कम समय में ही मेरा पीसी जो है मेरे घर तक पहुँच गया, वो भी सही सलामत। और काफ़ी भाई साहब पैकिंग तो भाई एक नंबर, भाई एक नंबर। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, जो कि प्रोफेशनल कुरियर्स वालों के तरफ से हुई, क्योंकि उनके कुरियर के माध्यम से मेरा जो कुरियर है मेरे घर तक पहुंचा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन होता है भाई, चलता है, इतना तो चलता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, देखिए अनबॉक्सिंग जो है। दोस्तों, हमारे पीसी के अंदर जो कैबिनेट यूज हुआ है वो है कूलर मास्टर का CNP 510। इसके सामने वाले पैनल पे 3 फैन लगे हुए हैं, वो भी RGB तो नहीं है, उसके जो साइड के रिंग है वो RGB है, और पीछे एक RGB फैन लगवाए हैं कूलिंग के लिए, वो अलग से खरीदना पड़ा हमें। ठीक है, और जो रैम यूज हुआ है वो है XPZ के 8 GB के 2 स्टिक लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग बराबर देख सकते हैं सामने की तरफ। और NVMe यहाँ पे यूज हुआ है 500 GB का। ठीक है, और क्या यूज हुआ है भाई, और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई इंटेल बिल्ड नहीं है, ये है राइजन बिल्ड। इसमें राइजन 5 लगा हुआ है 5600X। ठीक है, और जो इसमें मदरबोर्ड यूज हुआ है वो है आसूस का B550 वाईफाई वाला। ठीक है, और जो इसमें पावर सप्लाई यूज हुआ है वो है कूलर मास्टर का ही 650 वाट वाला। ठीक है, उतना ज्यादा मुझे पता नहीं यार, मेरे भाई को ज्यादा पता है, लेकिन मैं अपने जैसे से भर रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे बॉक्स की भी अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है। वैसे इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक LG का मॉनिटर है, और जितने कंपोनेंट जो है पीसी के अंदर लगे हुए हैं उसी के खाली डिब्बे हैं। और हाँ हाँ जी, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है जो बताना चाहता हूँ, जब मेरा पीसी जब मैंने खोला तो वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो है लगा लगाया नहीं मिला था मुझे, तो मैं काफी ज्यादा डर गया था, हैरान हो गया था कि कैसे मतलब लगा के नहीं दिए ऐसा करके। लेकिन दूसरे वाले बॉक्स के अंदर ग्राफिक्स कार्ड को अलग से दिए थे, तब जाकर भाई तसल्ली मिली मेरे को, नहीं तो फिर मैं डर गया था भयंकर वाला। और तुरंत इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता है मेरा भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। हेलो गाइस, wow!
खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। तो दोस्तों सबसे लास्ट वाला कंपोनेंट बचा हुआ है जो कि है LG का हमारा मॉनिटर और जो कि है 24 इंच का अल्ट्रा गियर, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या मिला इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर आप लोग देख चुके हैं, तुरंत इसको फटाफट सेटअप करते हैं।